Friends, subscribe to my channel Aero Simplified and press the bell icon to get the latest update about my videos. दोस्तों, आप लोगों ने हॉट एयर बलून के बारे में तो सुना होगा। ये कैसे काम करता है और इसका इन्वेंशन कब हुआ था और इसका एडवांटेजेस क्या है और इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, आज हम इस वीडियो पर इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं एयरो सिंपलीफाइड चैनल को। चलिए देखते हैं। हॉट एयर बलून एक बड़ा सा एक एयर कंटेनर होता है जिसे हम एनवेलप भी कह सकते हैं। इसके अंदर एयर से भी ज्यादा लाइटर गैस होता है जिसे हम हीटेड गैस भी कह सकते हैं। इस हीटेड गैस का डेंसिटी बहुत ही लो होता है जिसकी मदद से बलून आसानी से एयर में फ्लोट हो जाता है। अब देखते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में। हॉट एयर बलून फर्स्ट एवर ह्यूमन कैरिंग फ्लाइट टेक्नोलॉजी बना और इसका इन्वेंशन हुआ था 21 नवंबर 1783 को पेरिस में। इसका इन्वेंशन किया था मॉन्टगोलफियर ब्रदर्स ने और एक पैसेंजर को कैरी कर सकता था और हम इसे मैन्ड एयर बलून के नाम से भी जानते हैं। अनमैन्ड हॉट एयर बलून पहली बार चाइना में इस्तेमाल हुआ था, उसे मिलिट्री सिग्नल्स के लिए यूज किया करते थे, इसे हम लैंटर्न्स भी कहते हैं। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये फैब्रिक और पॉलिस्टर मटेरियल से बना हुआ होता है और इसके अंदर एक छोटा सा ओपनिंग रहता है, इसे हम थ्रोट भी कहते हैं। ये थ्रोट एक बास्केट से अटैच होता है जिसके अंदर पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। अगर जितना बलून बड़ा होता है उतना ही ज्यादा लोगों को ये कैरी कर सकता है, अगर बलून छोटा हुआ तो कम लोगों को कैरी कर सकता है। इस हॉट एयर बलून का कोई स्पेसिफिक साइज और शेप में नहीं होता है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। हॉट एयर बलून आसानी से हवा में फ्लोट होता है क्योंकि जिसके अंदर हीटेड एयर जनरेट होता है और ये हीटेड एयर बाहर की हवा से भी लाइटर होता है और इसकी मदद से बलून आसानी से लिफ्ट और फ्लोट होता है। हीटेड एयर को जनरेट करने के लिए हम प्रोपेन फ्यूल बर्नर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही बर्नर का डेंसिटी लो हो जाता है बलून के अंदर का हवा हैवी होकर बलून नीचे आने लगता है जिसको हम लैंडिंग के लिए यूज करते हैं। अब देखते हैं इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। इसका मेन एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल को यूज करते हैं। इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही सिंपल एंड ईजी है। आजकल इसको हम एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए भी यूज करते हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसका कोई लैंडिंग डेस्टिनेशन फिक्स्ड नहीं होता और ये कहीं भी ओपन स्पेस पर लैंड हो सकता है। दूसरा ये है कि ये हवा की डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हॉट एयर बलून के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एयरो सिंपलीफाइड एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट अबाउट माय वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।